राजगढ़ किला, जिसे सत्तारूढ़ किला भी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य के उदय के साथ जुड़ा हुआ एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। मूल रूप से मुरुम्बदेव कहे जाने वाले इस किले पर 1647 में शिवाजी ने कब्जा कर लिया था। 1355 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री पर्वत के ऊपर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे एक प्राकृतिक गढ़ बना दिया है। इसके आधार का विशाल व्यास लगभग 40 किलोमीटर घेराबंदी को और भी रोकता था। निकटवर्ती तोरणा किले से प्राप्त खजाने का उपयोग करके शिवाजी ने बड़े पैमाने पर राजगढ़ की किलेबंदी की। राजगढ़ मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी बन गया, जो लगभग 26 वर्षों तक सत्ता के केंद्र के रूप में कार्यरत रहा। इसने सूरत पर शिवाजी के साहसी हमले के बाद और जयसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल हमलों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा। यह किला 1689 में शिवाजी की पत्नी साईबाई की मृत्यु की दुखद यादों को भी संजोए हुए है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं पर शिवाजी के पुत्र और भावी मराठा राजा राजाराम प्रथम का जन्म 1670 में हुआ था। 1674 में संभवतः इसकी मजबूत सुरक्षा के कारण राजधानी को रायगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजगढ़ ने शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। संभाजी की मृत्यु के बाद किले पर मुगलों का कब्जा हो गया और बाद में मराठों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। यह अंततः पुरंदर की संधि के तहत मुगल क्षेत्र का हिस्सा बन गया और इसका नाम बदलकर नबीशाहगढ़ कर दिया गया। आज राजगढ़ मराठा वीरता और शिवाजी की रणनीतिक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। किला परिसर में 3 पठार और 1 गढ़ बाले किला शामिल हैं। महलों के खंडहर, पानी के कुंड, गुफाएं और साईबाई की समाधि बीते युग की निशानी है। कहा जाता है कि किले के द्वारों में से एक महादरवाजा में शिवाजी द्वारा पराजित मुगल सेनापति अफजल खान के अवशेष रखे हुए हैं। यदि आप अधिक गहराई में जाना चाहते हैं तो राजगढ़ किले का इतिहास ऑनलाइन खोजने पर विचार करें, या वास्तुकला, किले के भीतर विशिष्ट स्थानों या पर्यटन स्थल के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रासंगिक वेबसाइटों पर जाएं।